हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में माइक्रोस्पोर क्या होता है बच्चों? पॉलन ग्रेन। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है, मेगास्पोरोजेनेसिस का टॉपिक है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर यानी कि एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होगी बच्चों। इसके अंदर जेनेसिस होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, यानी कि जो सेल साइकिल का कौन सा फेज होगा? मियोसिस। और उससे जो मेगास्पोर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरो जेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ये क्या हो सकती है? कोई मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ एमएमसी की फुल फॉर्म अलग है। माइक्रोस्पोर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, लेकिन यहाँ क्या होगी? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और मियोसिस होगा इसके अंदर, यानी कि रिडक्शनल डिविजन होगा, और उससे क्या बन जाएंगे? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है? जैसे ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल होता है, ओव्यूल डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होके आगे जाके वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ओव्यूल है ये, किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, उसमें डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होके बना देगा वो एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस वन होगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस वन होगा। मियोसिस वन से, यानी कि ये एक्चुअल में है तो ये सेल ही, मियोसिस वन रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे मियोसिस वन के अंदर। जैसे इसमें ये जो मेगास्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड। इसका जो प्लॉइडी लेवल है डिप्लॉइड है। मियोसिस वन होते ही इसमें हैप्लॉइड जो सेल बनेगी, यानी कि एक सेल से कितनी बन गई यहाँ पे? एक्चुअल में दो सेल। अब इसमें आगे जाके मियोसिस टू होगा, और मियोसिस टू बच्चों हमें पता है कि मियोसिस टू जो है इक्वेशनल डिविजन होता है, यानी कि जैसे हैप्लॉइड जो सेल है, एन सेल है ना, एन एन से एन ही बनेगा। प्लॉइडी लेवल उनके अंदर ना कम होगा ना ही ज्यादा होगा। अब इस ऊपर वाली के अंदर मियोसिस टू होगा, तो ऊपर वाली से इन्होंने क्या बना दिया? दो बना दी, एक सेल से दो बन गई। नीचे वाली से भी फिर क्या बन गई? एक से दो बन गई। तो टोटल जो है कितनी होगी? चार मेगास्पोर, चार जो मेगास्पोर बन गई। इनमें से बच्चों तीन जो है डीजनरेट हो जाएगी, ऊपर वाली मान सकते हैं आप, यानी कि जैसे चारों बनी है, तीन जो है डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट क्यों डीजनरेट होती है? क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लांट सेल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण ये डीजनरेट हो जाती है। थ्री आर डीजनरेट, और सिर्फ एक बचती है जो क्या बनेगी? फंक्शनल मेगास्पोर। बची हुई क्या कहलाएगी? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब बनी तो चार है, रिजल्टेंट्स क्या है? चार बनी है, लेकिन उनमें से फंक्शन कितनी कहलाए करेगी? सिर्फ एक ही फंक्शन करेगी। तो इस फंक्शन के बेसिस पे हम बच्चों इसको बोल सकते हैं, यानी कि मोनो सिंगल एक के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, भाई जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों होता है?
तीन जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण यहां डीजनरेट हो गई। एक ही फंक्शनल बस्ती है, एक है तो यानी कि मोनो, सिंगल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं मोनो, सिंगल के अंदर डेवलपमेंट होगा तो मेगास्पोरिक, सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट, वन फंक्शनल मेगास्पोर। उसके बाद अब इसमें मियोसिस प्रोसेस बच्चों कंप्लीट हो गई है, देन आती है अपनी माइटोसिस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। उसके बाद ये चारों जो बनी थी, एक बार हम बना लेते हैं इनको दोबारा से। तीन जो है इनमें से डी जनरेट हो गई थी, थ्री जो है डी जनरेट्स, और बस जो बची हुई क्या है, वन फंक्शनल मेगास्पोर। एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर थी। उसके बाद फंक्शनल है, फंक्शनल के अंदर होगा माइटोसिस, माइटोसिस वन। माइटोसिस से क्या होगी, अब इसमें एक प्रोसेस होती है, यहां यहां जो कैरियोकाइनेसिस होगी बच्चों, कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, नोट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और साइटोकाइनेसिस नॉट अकर्स, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, नो साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस होगा, यानी कि माइटोसिस होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगी, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। सेल पूरी की पूरी एक ही है ये अभी तक। इसके अंदर देखो फंक्शनल मेगास्पोर बना था, माइटोसिस वन होगी। माइटोसिस वन किस तरह से होगी, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, नो साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इनका डिवाइड नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड नहीं होगा। आगे जाके फिर ये जैसे माइटोसिस वन हुई, आगे जाके ये क्या करेगी, माइटोसिस टू। अब एक से दो बनी है, दो से क्या बन जाएगी, चार सेल बन जाएगी, चार जो न्यूक्लियस बनेगी, एक्चुअल में सेल नहीं बनेगी अभी तक, फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं इसको, फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज। यहां भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी। उसके बाद माइटोसिस टू जो आ गया, इसके बाद आती है माइटोसिस थर्ड। यहां जो है चार सेल वाली स्टेज देख लो एक बार, इसमें क्या होगा, माइटोसिस थ्री, और माइटोसिस थ्री होगा तो चार से कितने बन जाएगी, यहां पे माइटोसिस थ्री चार से बन जाएगी आठ सेल, आठ एक्चुअल में न्यूक्लियस बनेंगे, सेल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज। हम पढ़ते हैं ना एंजियोस्पर्म के अंदर एट न्यूक्लिएटेड स्टेज कैसे है, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो ऐसे जो है आठ न्यूक्लियस बनते हैं, दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं, तीन जो है डीजनरेट हो गई थी किसके कारण, ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। एक फंक्शनल बनी, उसके अंदर क्या हो गया, माइटोसिस हो गया, माइटोसिस से कैरियोकाइनेसिस होगी, सिर्फ साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, दो से चार बन गए। माइटोसिस टू के अंदर ये होगा, थ्री के अंदर क्या होगा, थ्री के अंदर इनसे चार से आठ बन जाएगी। अब ये जो सेल है ना रीअरेंज हो जाएगी, अब इसके अंदर बच्चों साइटोकाइनेसिस प्रोसेस शुरू होगी, जब ये एट न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर चली जाएगी। एट न्यूक्लिएटेड स्टेज चले जाने के बाद ये रीअरेंज फॉर्मेशन कर लेगी यहां पे। इस तरह से रीअरेंज होगी ये, ये जो कंप्लीट है एम्ब्रियो सैक, तीन जो सेल है ऊपर की तरफ चली जाएगी, और इस एंड को हम बोलते हैं बच्चों चैलेजल एंड, और इन सेल का क्या नाम है, चैलेजल एंड के ऊपर होती है जो तीनों, इन सेल का नाम होता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल
सेल। अब तीन जो है नीचे बन जाती है इनके, जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होती हैं। ऊपर वाली तो है बच्चों एग सेल, और नीचे जो बची हुई है वो होती है सिनर्जिड्स, ये है सिनर्जिड। अब कितने न्यूक्लियस जो अरेंज हो गए इनमें से, देख सकते हैं आप, तीन जो नीचे और तीन ऊपर, छह न्यूक्लियस अरेंज हो गए, यानी अलग अलग सेल बने। बचे हुए जो दो न्यूक्लियस ये सेंटर के अंदर लोकेटेड हो गए, और उनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है बहुत ज्यादा है, और उनकी बाउंड्री देखो कहां तक है, ये इतनी सारी बाउंड्री इन सेंट्रल न्यूक्लियस को मिली है, तो ये इतनी बड़ी सेल बन गई, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और किसके अंदर है, लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर है। तो इस तरह से अरेंज हो गया इसके अंदर, यानी कि बच्चों आठ तो न्यूक्लियस इसमें, एट न्यूक्लिएटेड, काउंट करो आप, थ्री टू फाइव और थ्री एट, बट सेल कितनी है, तीन सेल ऊपर है, ठीक है, एक सेल ये है और दो ये नीचे, तीन नीचे है, तीन और तीन छह, और एक ये सेंट्रल सेल है, एक ही सेल है पूरी, सात, तो सेवन सेल्ड हो गया, और एट न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड जो है, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियस। तो इसीलिए इसमें पॉसिबल है, कई बार एग्जामिनर पूछ रहे थे भाई हाउ इट इज पॉसिबल टू बिकम सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड, तो इस तरह से अरेंज होगा ये मेगास्पोर। और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या बन गई है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। जैसे हमने ऊपर वाले एंड को पढ़ा है, ये कौन सा एंड है, चैलेजल एंड, नीचे वाला एंड क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चैलेजल एंड के ऊपर कौन सी सेल होगी, एंटीपोडल सेल, और माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर कौन सी होगी, सिनर्जिड। अब एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एग अपरेटस, एग अपरेटस, एग अपरेटस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो बच्चों एग सेल होगी, और दो जो है इसके अंदर सिनर्जिड, वन एग सेल प्लस टू सिनर्जिड कंबाइंडली क्या कहलाएगी, एग अपरेटस। तीन सेल प्रेजेंट होगी एग अपरेटस के अंदर, वन एग, तीन सेल होगी, वन एग सेल टू सिनर्जिड, दो सिनर्जिड। कई बार है ना ये पूछ लेते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है, जो एक्स्ट्रा थिकनिंग है ना इनकी सिनर्जिड्स की, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, एक्स्ट्रा थिकनिंग, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है, एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ सिनर्जिड्स। जैसे ही पॉलन क्यूब आएगी उसको गाइडेड करवाएगी, एंट्री के लिए गाइडेड करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जाता है पॉलन क्यूब, उस दौरान ये फिलीफॉर्म अपरेटस बड़ा ही जो अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों मेरे से पूछो। ओके बच्चों, थैंक यू।